लुक एट द व्यू, वो सामने एक बस लास्ट धूप उस पहाड़ तक आ रही है, उसके बाद यहाँ कहीं धूप नहीं है, काले बादल लग गए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा औसम व्यू है। जहाँ मैं रुका हूँ ये रिज़ॉर्ट है, द रॉयल विलेज रिज़ॉर्ट। रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा है, मैं आपको पूरा अंदर का ओवर व्यू दिखाऊँगा, लुक दिखाऊँगा, इसका रेट भी बताऊँगा, इनका भी नंबर और लिंक होटल का डिस्क्रिप्शन में ही है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए यहाँ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सात दिन का पूरा ट्रैक करना है, हाँ। आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जाओगे आप गोल्डन वैली, ठीक है, वहाँ से आगे पूरा 7 दिन का ट्रैक होगा, वो निकलोगे आप तपोवन से, ढाका तपोवन से निकलोगे, ऊपर 1 हफ्ते का होता है। अच्छा। उसमें आपको टेंट टूंट सब आपका अपना होगा, उसमें आपका वेट आप पे रहेगा, हमारा वेट हम पे रहेगा, जो गाइड का वेट गाइड पे रहेगा। बस ये है कि खाना पीना वो हम देंगे आपको, बैग बुक सब चीज़ हम देंगे आपको, आपको बस चलना है 4000 के आसपास, 4000 वन वीक का, हाँ वन वीक का, एक घंटे का होगा उसमें, ठीक है। खाना पीना हर चीज़ वो देंगे, बॉनफायर होता है, टेंट उनका सारा हुआ, बच्चे की वेट आपको लेके आना पड़ेगा। ये क्लाउड एंड स्नो एंड स्की रिज़ॉर्ट, ये गढ़वाल मंडल का है। ये अगर आप बुक करना चाहते हो ओली में, मेन ओली में ऊपर आके, तो आप इसे गढ़वाल मंडल की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। और दूसरा गढ़वाल मंडल का वो है नंदा स्की एंड रिज़ॉर्ट, दोनों हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल नज़दीक हैं, 8 नंबर वाले पिलर पे हैं। अगर आप बुक करना चाहते हो तो यहाँ बुक करो, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। उसके जस्ट सामने ये जॉय राइड का ऑप्शन है। अगर आप आ रहे हो आप सोच रहे हो कि ऊपर वॉशरूम वगैरह मैगी पॉइंट वगैरह भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैगी पॉइंट भी हैं, आप यहाँ पे आ सकते हो। उधर वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ हैं और गिने चुने रिज़ॉर्ट हैं। ये 8 नंबर है, चेयर लिफ्ट आपको 8 बताती है। और जो आप जोशीमठ से आते हो
वो आपको तारीख 10 नंबर पे। फ़र्क कितना है कि वहाँ ज़्यादा थोड़ी डीप स्नो है, अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो 10 नंबर जाओ, यहाँ से भी आप ट्रैक करके जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है 8 नंबर से, 500 मीटर का रास्ता होगा, लेकिन 500 मीटर बर्फ़ में आप जानते हो कितना होता है। और दूसरी बात, अगर आप 8 नंबर पे उतर रहे हो तो 8 नंबर पे उतरने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर पीछे आपको फ्रोजन ऑली लेक मिल जाएगी, स्कीइंग वगैरह का मिल जाएगा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसलिए हम 8 नंबर पे आए हैं, और चेयरलिफ्ट सिर्फ 8 नंबर पे ही आती है, जिसके लिए अगर आपको 10 नंबर जाना है तो आप यहाँ से ट्रैक कर लो, वरना जोशीमठ से आप रोप वे से आ सकते हो। धूप बहुत ज़्यादा है, इतनी धूप है कि आँखें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि ऊपर ऐसा लग रहा था कि यार बर्फ़ है तो ठंड बहुत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलत सभी मत रहना, ठंड बिल्कुल कम है, गर्मी लग रही है बल्कि इस वक्त। मैं ये सब उतारने वाला हूँ, अभी कपड़े नहीं उतारूंगा, पूरे जैकेट उतारने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ऊपर ना, ये स्नो पे आके, और एकदम सन बिल्कुल टॉप पर है। मंदिर नरसिंह जोशीमठ पूरा भविष्य पूरा दिखेगा सर हमको। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर 7 पैसेंजर चाहिए, बट अगर 6 भी हो तो फिर चलेगा, 2 से 2.5 साल भी होता तो हम ठीक है सर। यहाँ पर वेट करना है, बाकी नाम लिखाना है, नाम और आईडी चाहिए, नाम और बोर्डिंग ड्यू बोर्डिंग डोर ओपन क्लोज हम ही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, आपने आप अंदर वीडियोग्राफी बना सकते हो, 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा, पायलट की वीडियो मत लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटो मत लीजिएगा, और नीचे आर्मी का कंटोनमेंट एरिया उसकी फ़ोटो मत लीजिएगा। उतरने के बाद सर आप फॉर्मल में जाएंगे, रियर वार्ड में बैक वार्ड में हेलीकॉप्टर के नहीं जाना है, और जब आप उतरोगे तो आपको फ्रंट से होके इधर आ जाना है, हेलीपैड क्लियर कर दीजिएगा, और हेलीकॉप्टर के पास कोई भी हाथ ऊपर करके फोटो नहीं लेगा। ब्लेड के बाहर सबके लिए डेंजर है, पीछे भी टेल रोटर है वो भी डेंजर है, इसलिए पीछे कभी नहीं जाना है हेलीकॉप्टर में। ऑली जहाँ पे स्कीइंग होती हैं, अब तो जॉय राइड भी स्टार्ट हो गई है, ट्यूब राइड होती हैं, और बाकी वो ट्रैक होता है, वो ट्रैक लेके जाता है आपको ऊपर। 3:30 बजे लास्ट वैसे बोलते हैं, वैसे 4 बजे तक है, 3:30-4 के बीच में आप बैठ जाओ, चेयर कार्ड ले लो, और नीचे आप वापस अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है।
अगर आपको यहाँ रुकना है तो अपना लगेज लेके आओ, एक से दो बैगें तो आराम से आ जाएंगे। अपना लगेज लेके आओ जो इजी टू कैरी हो, और आप ऊपर आके भी रुक सकते हो, लेकिन बुकिंग पहले से होनी चाहिए। तो अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, रॉयल विलेज रोड से मैंने चेकआउट कर दिया है। तो आज मैं जा रहा हूँ नीचे ही है यहीं पर ही, यहाँ से 200 मीटर का रास्ता है, चौहान रिजॉर्ट करके है एक ना, देखने में तो काफ़ी अच्छा है। फ़ोटोज़ वगैरह मैंने देखी हैं, ओनर से बात हुई है मेरी और मिल भी गया ठीक ठाक रेट पर।